दोस्तों आज हमारे साथ कोमल नाटा ऑफिशियल पर है लूप लपेटा के डायरेक्टर आकाश भाटिया एंड इसी फिल्म की लीड टीम तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन। लेट्स वेलकम द टैलेंटेड ट्रायो। वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। थैंक यू तापसी, आपसे शुरू करता हूँ। हाउ हैज द लॉकडाउन ट्रीटेड यू? आई थिंक आई वॉज प्रिविलेज्ड वन एक्चुअली, कांट रियली कंप्लेन about it, but मतलब not that I really enjoyed staying in the lockdown. काफी planning जो करी थी life की that went out of the window because of the lockdown. And then सारा बाकी का time जो lockdown के बाहर निकला वो सारा deadlines match करते हुए कि जो decide किया है वो complete तो करो करते हुए निकला. So it's not been the ideal way of going about it, but at least compared to what was happening in the world, I think I'm still the privileged one, so can't really complain very much. अच्छा, और ताहिर राज भसीन, मुझे ताहिर आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि कैसे गया लॉकडाउन, बिकॉज आप तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर छाए हुए हो, सो आई थिंक यू मेड द मोस्ट ऑफ द लॉकडाउन। जी बिल्कुल, like right through 2020 it involved back to back shoots, and because of delays of the pandemic every production was impacted either in terms of shooting or in post production. I'm just very fortunate and incredibly grateful that the stars have aligned in such a way that 2022 has been a superb opening so far, and I'm very excited about Loop Lapeta because it is so different from anything I've done before. Aur different aap kyon kahenge? पिछले साल मेरी बैक टू बैक शूटिंग चल रही थी, पर हर शूट हर प्रोडक्शन को किसी ना किसी तरह से लॉकडाउन से और जो कोविड काल हमारा चल रहा है उससे बहुत फर्क पड़ा था, और पोस्ट प्रोडक्शन सबके जो है पुश होते गए, अफेक्ट होते गए, पर किसी ना किसी तरह मैं कहूंगा कि द स्टार्स हैव अलाइंड फॉर मी, और जो सारे रिलीजेस हैं वो एक साथ जनवरी में आए हैं और मेरे लिए बहुत ही बंपर ओपनिंग जिसे कहते हैं, मतलब एक त्योहार सा हो गया है मेरे लिए साल के ओपनिंग में। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड इस वक्त मैं हूँ लूप लपेटा के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए एक ऐसा किरदार है जो मैंने अब तक किसी भी अपने फिल्म में निभाया नहीं। अच्छा, बहुत अलग किरदार है। जी, और फिल्म भी बहुत अलग है। जी, फिल्म भी मतलब चाहे ये जिस तरह बताई गई है या जिस प्रकार की कहानी है बहुत ही अनोखी है। मेरे लिए ये अलग किस्म का किरदार इसलिए है क्योंकि अब तक अगर जो मेरा पहला काम देखे, चाहे वो छिछोरे का डेरिक हो, सुनील गावस्कर 83 का मर्दानी का वॉल्ट, सब एक अल्फा मेल सॉर्ट ऑफ एक ऐसा कैरेक्टर जो टेक चार्ज करता है अपने जिंदगी का, और सत्या जो लूप लपेटा का है वो उसका 180 डिग्री ऑपोजिट है। ये एक किस्म का मतलब मैं झोलर कहूंगा जो मतलब ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके वजह से उसको हर बार फोन करके सभी की मदद मांगनी पड़ती है, पर उसके गलतियों में भी एक मासूमियत है। वो जितनी बेहद मोहब्बत करता है सभी से, एक तरह से एक फ्लॉड हीरो है जो मैंने अब तक कभी नहीं किया, और एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सी कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आकाश, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ताहिर ने बताया कि एक मासूमियत है, इस मासूमियत की वजह से आपने ताहिर को कास्ट किया, और तापसी किस प्रकार से इस फिल्म से जुड़ी? तापसी इस फिल्म से मेरे पहले से जुड़ी हुई है, तो तापसी ने, अच्छा, तापसी ने मुझे कास्ट किया। एज फॉर ताहिर, आई थिंक ताहिर ने जो बोला कि एक किरदार होता है जो अपने आप को रोमांटिक समझता है और एक होता है जो रोमांटिक होता है। अब ये सत्या का किरदार अपने आप को रोमांटिक समझता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो परफॉर्मेंस में आता है, एंड आई थिंक वो जो नब्ज पकड़ी थी ताहिर ने, आई थिंक उसके कारण ही वाज द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पार्ट, एंड उसके बाद जो उसने किया है कमाल हमारे शूट पे, तो फिर आई थिंक उसको एडिट करने में, उसको पूरा पैकेज करने में बहुत मजा आया। आई थिंक लोग देखेंगे तो वो भी खुश होंगे ताहिर की एक्टिंग और सत्या से, डेफिनेटली। मुझे ये बताइए, रन लोला रन का ऑफिशियल रीमेक है ये, तो ये सोच किसकी थी? हॉलीवुड रन लोला रन वो बनानी चाहिए, आपकी सोच थी, आप लेकर गए थे ये कहानी, या जैसा आपने कहा कि तापसी वाज ऑलरेडी साइंड, यानी उन्होंने तय कर लिया था, प्रोड्यूसर्स ने तय कर लिया था कि इस फिल्म को बनाना है? जी, अतुल एंड तनोज एंड सोनी, उन्होंने ये फिल्म के राइट्स लिए थे, तो उन्होंने इस फिल्म को वापस बनाना था, बट शुरू से उनका मानना था कि हम एक रीमेक नहीं बनाना चाहते हैं, हम लोग फिल्म लेके वापस उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में छापना नहीं चाहते, हम एक नई फिल्म बनाना चाहते हैं
जो उसके कोर वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करे, बस यू नो कोर कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करे। तो हमारी पूरी टीम की राइटर्स, प्रोडक्शन, डिजाइन, सब चीज, हर किसी का एक आइडिया इसी तरफ था कि हम एक ओरिजिनल फिल्म बनाएं हमारे मिलियों के लिए, हमारे लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, उसके अलावा भी एक ओरिजिनल फिल्म बनाएं जो हमें देख के लगे कि एक नई फ्रेश फिल्म बनी है। ओके ओके, तापसी इस फिल्म के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी था? दो तरह की प्रिपरेशन होती है, एक तो फिजिकल और मेंटल। फिजिकल प्रिपरेशन तो मेरी हो गई थी क्योंकि मैंने इसे जस्ट पहले रश्मि रॉकेट करी थी, जिसके लिए मुझे बहुत भागना सीखना था। तो वो पिक्चर कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जहां वो पिक्चर खत्म होती है वहां ये शुरू होती है। तो ये इसमें ये रिटायर्ड एथलीट है, इंजर्ड रिटायर्ड एथलीट है सभी, तो इस वजह से वो मेरी ट्रेनिंग काम आई। और मेंटल डिस्कशन ये हुई थी कि अच्छा जहां पे ये पिक्चर शुरू होती है, पिक्चर है बेसिकली वो 50 मिनट के बारे में, तो इससे पहले की जो लाइफ है सभी की और सत्या की, और ये कैसे मिले होंगे, कैसी इसकी लाइफ रही होगी, उसके जो डिस्कशन है वो हमारे डिस्कशन आकाश के साथ पहले बहुत हुए पिक्चर फ्लोर पे जाने से पहले। क्योंकि पिक्चर सिर्फ 50 मिनट के बारे में जो 3 बारी रिपीट होती है, बट उसके अंदर वो क्यों ऐसा रिएक्ट करेगी, किस मोमेंट पे क्या उसका ट्रिगर पॉइंट होगा, उसके जो रिश्ते रास्ते में जो फादर हो चाहे जो भी कैरेक्टर से मिल रही है वो उनको किस तरीके से ट्रीट करेगी, वो पहले से जो कैरेक्टर होगा उसका उसके हिसाब से ट्रीट करेगी। वो क्या कैरेक्टर है उसका, पहले उसके लाइफ में ऐसा क्या क्या हो चुका है जिस तरीके, इसलिए वो ये इस तरह की है जिस तरह की है। तो वो वाली जो प्रिपरेशन थी वो आकाश और मैंने काफी मतलब डिस्कशन आकाश के साथ करी, जब सोचना था इसकी क्या पहले की स्टोरी हो सकती है। क्योंकि वो ना वो 50 मिनट ऐसा लगेगा कि मतलब सेम कर रहे हो, अगर कुछ वो भी 3 बारी दिखाना है, अब 3 बारी अलग क्यों होगा, वो उसके लिए उस कैरेक्टर को पहले क्या करती थी वो समझना, उसका रिलेशनशिप सत्या के साथ समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था रिएक्ट करने के लिए। तो वो प्रिपरेशन हमने पिक्चर में जाने से पहले करी। और आकाश जैसा तापसी ने बताया कि सभी 3 बार वही करती है, तो आपने ये नहीं उचित समझा कि उसकी बैक स्टोरी पहले दिखा दें? और अगर ये नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा उचित? सर, बैक स्टोरी से ही फिल्म शुरू होती है, भी हमने सेटल किया है उसकी बैक स्टोरी को, पर जिस टाइप का नैरेटिव चॉइस है उसमें अपने आप को रिवील करना, स्टोरी के प्लॉट पॉइंट्स को रिवील करना हमने ज्यादा समझदार समझा, क्योंकि अगर ऑडियंस को सब कुछ पहले ही से पता होगा तो उनको आगे देखने के लिए, उनको वेट करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उसके लिए इस टाइप का नैरेटिव स्टाइल चूज किया कि हम लोग ने थोड़ा ग्लिम्स दिया है उसके पास्ट के बारे में, पर जो चीजें ऑडियंस डिस्कवर कर रही है रियल टाइम, उसमें उनको मजा ज्यादा आएगा, उसी के कारण हमने ये फ्लो पे सॉलिड लॉक किया। और ताहिर, जैसा तापसी ने कहा कि थोड़ी प्रिपरेशन हो चुकी थी, थोड़ी इस फिल्म के शूटिंग के पहले हुई, शूटिंग के दौरान हुई, आपका क्या प्रिपरेशन था, क्योंकि आप झोल करते हैं, तो दैट केम नेचुरली टू यू या बहुत मेहनत करनी पड़ी? नहीं जी, मैं कहूंगा कि एक हद तक काफी नेचुरली आया ये। मेरा ये मानना है कि हर किरदार में मतलब एक 60% उसमें ताहिर रहता है और रिमेनिंग 40% एक इमेजिनेशन रहता है। और मुझे इमेजिनेशन यूज करते हुए अपना उस वो समय याद करना था जब मैं स्कूल या कॉलेज में हुआ करता था, क्योंकि सत्या के जिंदगी का कि वो अपना मकसद जानता है, वहां तक पहुंचने का तरीका वो उसे इतना आगे उसने सोच नहीं रखा, और वहां तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सत्या के लिए वो डेस्टिनेशन है प्यार, सभी का प्यार, वो पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पर जब वो गलतियां करता है तो एक ऐसा आदमी जो अपने आप को एक शाना समझता है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो किस तरह उसे वो प्रभावित होता है, ये बनता है सत्या का कैरेक्टर। और इसमें फिजिकैलिटी अगर देखी जाए तो फिल्म में वो मतलब एक बहुत जो उसमें एक बेचैनी रहती है वो उसके बॉडी लैंग्वेज में नजर आती है जब वो प्रेशर में आ जाता है। और मेरे ख्याल से जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी भी तो ये लिखा भी इसी प्रकार गया था कि कुछ फ्लैशबैक्स के सीन्स हैं जहां पर वो एक बहुत ही काम रोमांटिक जोन में देखा जाता है, पर जब वो सिचुएशन उसकी जिंदगी में आती है, जब टेंशन बढ़ती है, तो किस तरह वो झोलर आदमी अंडर प्रेशर क्रैक हो जाता है और ना चाहते हुए भी एक फनी इंसान की तरह प्रेजेंट करता है अपने आप को, उसमें एक मजा था, ये कॉन्फ्लिक्ट उसके उसके पर्सनालिटी में। तापसी, क्योंकि इतना फ्री समय मिला ड्यूरिंग द लॉकडाउन, क्या इस वजह से आप आजकल तो बोलबाला ही सोशल मीडिया का है, तो क्या इस वजह से आप सोशल मीडिया पर ज्यादा बिजी रही
या जितनी बिजी पहले रहती थी उतनी ही रही? आपसे जस्ट पहले मैं जिससे बात कर रही थी वो पूछ रहा था आप इतने सोशल मीडिया पे क्यों नहीं हो लेटली, आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे ज्यादा हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ नहीं इस वजह से नहीं, एक्चुअली ये जो लॉकडाउन का टाइम था वो बहुत अजीब सा टाइम था, क्योंकि जब लॉकडाउन था उस टाइम पे सारा घर का काम खुद करना पड़ता था, सो सारा समय उसमें निकल जाता था, तो ऐसा नहीं है कि तुम मतलब बहुत फालतू घर में बैठे हो, कुछ करने को है नहीं, ऐसा टाइम बहुत था, तो वो इसलिए बिजी थी। जब लॉकडाउन खुला तो मैं मेरी बैक टू बैक शूटिंग जो कॉम्पनसेट करना था टाइम के लिए वो इतना ज्यादा उसने बिजी रखा कि फिर एज सच को इतना टाइम था नहीं, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा ही गया ये जो टाइम गया है सोशल मीडिया। हाँ सोशल मीडिया के लिए मैं वैसे भी कोई अलग से टाइम सोच के, जब मेरा मन करता है कुछ होता है दिमाग में और मतलब वो हाथ में फोन होता है तो मैं कुछ लिख देती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे प्लान नहीं करती कि नहीं इतनी देर बाद तो करना ही है या फिर इतना तो एक्टिव रहना ही है सोशल मीडिया पे, मैंने कभी भी ये सोच के अपने प्रोफाइल्स हैंडल नहीं करी। That's nice. और जैसा आपने कहा कि आई वेंट विद द फ्लो, यू नो कि अगर कभी मन में आया तो कर दिया, मन में नहीं आया तो नहीं किया, मगर आजकल बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ये सोच के एक्टर्स को साइन करते हैं कि सोशल मीडिया पर कितनी फॉलोइंग है, तो उस लिहाज से सोचना पड़ता है एक्टर्स को? नहीं, आई एम ग्लैड दैट अगर ऐसा होता तो मुझे तो काम ही नहीं मिलना चाहिए था, आई थिंक मैं सबसे कम काम करने वाली एक्ट्रेस, क्योंकि ये मुझे सुनने में आया है क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूसर बन गई हूँ और मैं एक्टर्स को अप्रोच कर रही हूँ, जिस तरीके से स्टूडियो से डिस्कशन होती है कभी कास्टिंग के बारे में कभी किसके बारे में, ये चीज मेरे को सामने आई कि एक्चुअली में कि काफी ये फॉलोइंग सोशल मीडिया की देखी जाती है जो मेरे लिए बहुत बिजार बात है, तो मैं जब तो मेरे से डिस्कशन होती है तो मेरा तो एक ही उसका जवाब होता है, इस हिसाब से तो मुझे इतना काम मिलना नहीं चाहिए जितना मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग देखी जाए तो मतलब मुझसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो जिनकी मुझसे ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है, तो उनको मतलब उनसे कम काम करना चाहिए फिर तो मुझे, तो इसलिए ये एक लेवल के बाद आई थिंक ये एप्लीकेबल नहीं होता है, एंड आपको वो आपको डिफरेंस दिख जाएगा अगर आप एक्चुअली स्टडी करो कि सोशल मीडिया की फॉलोइंग होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पिक्चर को देखने वो लोग आएंगे, अगर ऐसा हो रहा होता तो आई थिंक ऑल द इन्फ्लुएंसर्स शुड हैव बीन द बिगेस्ट स्टार्स वी हैव इन द इंडस्ट्री, सो बिकॉज दे आर रियली गुड विद देयर 10 सेकंड 15 सेकंड रील एंड कॉन्टेंट, दैट्स मतलब जो ओटीटी पे कंज्यूम होता है, बट दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम to be an actor or a protagonist to in a film, वो अलग ही zone है, तो इसको overlap करने की गलती हम जरा जल्दी ठीक कर लें तो better है। बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से इतना सहमत हूँ, 100% शत प्रतिशत सहमत हूँ, because ये एक पागलपन का दौर चला है जहाँ पर social media following है तो roles मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे actors हैं जो घर पर बैठे हैं या कम काम कर रहे हैं only because प्रोड्यूसर सोचते हैं इनकी तो सोशल मीडिया फॉलोइंग कम है तो फिर हमारी फिल्म को ओपनिंग नहीं मिलेगी। आई रियली लाइक द वे यू पुट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव, वेरी गुड वेरी गुड। आकाश, इस फिल्म को बनाने में लॉकडाउन के दौरान शूटिंग हुई तो कितने ब्रेक्स लेने पड़े बिकॉज ऑफ सर? हम लोग जब अपने टेक रेकी वगैरह शुरू करने वाले थे इस वेंडर, सबसे पहला लॉकडाउन हुआ, दैट गेव अस अ 6-7 मंथ पीरियड to completely rewrite the script because anything that we thought now needs to be अभी उसको वापस fix करने का time मिला, तो हम लोग ने पहला lockdown को उस तरीके से use किया। उसके बाद thankfully sir पहले lockdown के बाद हमको एक window मिला जहाँ पे हम लोग ने अपना clean first schedule finish किया, उसके बाद हमारा गोवा का जो आउटडोर शेड्यूल था वो फिनिश किया, उसके बाद दूसरा लॉकडाउन हुआ जिसमें हमारी पूरी पिक्चर ऐसे ही जूम कॉल पे पोस्ट प्रोडक्शन में हुई है, तो एकदम ही अलग एक्सपीरियंस। ऐसा सोचा नहीं था सर कि ऐसा एक्सपीरियंस होगा, पर ढालना पड़ता है सर, हम लोग फिल्म बना रहे हैं सर, बाकी लोग तो और भी बहुत मुश्किल चीजों से गुजर रहे थे, हम फिल्म बना रहे हैं सर, तो हमने बोला कि हमारे को जो मौका मिला है बनाने का उसको एकदम अपने जीजान लगा के, जैसे मैं बोलता हूँ जीजान लगा के हमने किया है काम सर उसके लिए, एंड हाँ लॉकडाउन के बीच में पूरी फिल्म बनी है। ताहिर, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपकी फिल्म या वेब सीरीज रिलीज होती है तो आपको वो टेंशन नहीं होता है कि ओपनिंग डे कलेक्शंस कैसे हैं, वीकेंड कैसा लगा, यू नो वगैरह वगैरह, आपने वैसी भी फिल्में की है जो सिनेमाज में रिलीज हुई है, तो ऐसी फिल्म जो लूप लपेटा जैसी फिल्म जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होती है,
एंड आपकी दूसरी फिल्म जो सिनेमा में रिलीज हुई थी, इन दो फिल्मों में कुछ अंतर है आपके टेंशन लेवल में, प्रेशर लेवल में अंतर होता है? आई थिंक दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं. प्रेशर डेफिनेटली एक तरह से कम होता है क्योंकि कई बार हम फिल्मों को बहुत जल्दी, मतलब अगर आप 80s या 90s की बात करें तो फिल्में हमारी 2 या 3 महीने हॉल में लगी रहती थी. अब क्या है, मंडे तक आपकी फिल्म जज हो जाती है. वो हो सकता है कि फिल्म जाके अगले मंडे तक सुपर हिट हो जाए, पर मंडे तक सोशल मीडिया के कारण, मैं तो कहूंगा इंटरवल तक लोगों ने सोशल मीडिया के कारण उसे जज कर लिया होता है. OTT में ये प्रेशर रहता नहीं है क्योंकि आपकी ऑडियंस बिल्ड होती है. कोई ऐसा, शायद कोई ऐसा इंसान हो जो बिजी था या अनेबल टू वॉच इट ऑन द फर्स्ट वीकेंड, वो चाहे 2 महीने बाद आपकी फिल्म देखे, पर सोशल मीडिया की वजह से चर्चा रहेगी. एक हमेशा से वीडियो लाइब्रेरी है प्राइवेट उनकी घर पर, और वो अपनी फिल्म एंजॉय कर पाएंगे. और जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, कलाकार होने के नाते ऑडियंस की सेफ्टी भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए. तो हम चाहेंगे कि जो ऑडियंस है वो सब, मतलब अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करे फिल्म. एंड एज एन आर्टिस्ट इट्स अ ग्रेट थिंग कि जब, जिस वक्त मैंने शुरुआत करी थी कुछ ही साल पहले मर्दानी में, हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो आप फिल्म स्टार बनो या टीवी स्टार बनो, बीच का कुछ नहीं होता था. एंड नाउ इट्स अ ग्रेट टाइम कि आप एक बड़े पर्दे की फिल्म कर सकते हैं, आप एक OTT की फिल्म कर सकते हैं, और आप एक सीरीज भी कर सकते हैं. एंड द क्रिएटर्स आर ऑल द सेम, इट इज द सेम टेक्नीशियंस. वो ही सिनेमाटोग्राफर जो आपकी फिल्म शूट कर रहा है वो सीरीज भी करेगा, सेम कॉस्ट्यूम डायरेक्टर, सेम आर्ट डायरेक्टर. सो इट फील्स ग्रेट दैट अ स्टोरी जो आप बता रहे हैं उसकी वजह से लोगों का मनोरंजन तो हो ही रहा है, साथ में इंडस्ट्री के जो टेक्नीशियंस हैं, जो बाकी के टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें एक मौका मिल रहा है अपना काम दिखाने का. वाओ, दैट्स वेरी नाइस. और तापसी, इस दौरान आपने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स भी सुनी होगी? जी हाँ, काफी सुनी थी. फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर तो बहुत स्क्रिप्ट सुनी थी. और फाइनल कितनी की? एक करी थी. जो मतलब अभी वो लड़की है कहाँ जो मैं अभी शूट कर रही हूँ, वो मैंने पहले लॉकडाउन में सुन के करी थी. उसके अलावा जो पिक्चरें थी, मतलब हाँ, मतलब एक दो और सुनी होंगी, बट इन कंपैरिजन आप सोच रहे हो 1:10 का रेशियो था इस बारी, क्योंकि मैं हर बारी ना नेगेट करती चलती हूँ कि अच्छा ये कर लिया, अभी ये हो गया तो अब ये नहीं करना है, अच्छा अब ये जॉनर, ये स्टाइल हो गया, अब ये इससे सिमिलर लग रहा है तो नहीं करना है. तो वो इस वजह से द नंबर ऑफ फिल्म्स दैट आई एम सेइंग नो टू वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब वो होता है कि अच्छा अब और अलग क्या कर सकती हूँ, अब और इसको आगे पुश कैसे कर सकती हूँ. तो ये एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है जब इतना ना बोलना पड़ता है तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो मेरे पास जो चॉइसेस आती हैं, मैं तो आई बी द लास्ट पर्सन टू कंप्लेन. द वैरायटी दैट आई गेट चूज करने के लिए, मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगी कि मेरे पास ऑप्शन नहीं होते या मेरे पास सेम तरह का चीज आती है. नहीं, मेरे पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, मेरे पास हमेशा बहुत बहुत वैरायटी की चीजें आती हैं, अलग अलग तरह के फिल्म मेकर से लेकर अलग अलग तरह का वर्ल्ड, अलग अलग तरह के स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स. तो वो इट्स ऑल अबाउट, मतलब अब नाउ आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस ऑलमोस्ट, सो आई डोंट वांट टू कंप्लेन अबाउट इट. मगर जब मना करना पड़ता है किसी फिल्म मेकर को, और ये दुनिया, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया इतनी छोटी है कि पर्सनल रिलेशंस बन ही जाते हैं, स्टोरी सुनाने आते हैं, 4-5 बार इंटरेक्शन होता है, तो यू स्टार्ट नोइंग ईच अदर वेरी वेल. जब मना करना पड़ता है कितना बुरा लगता है और कितना कठिन होता है? कठिन होता है, थोड़ा सा कठिन इसलिए कहूंगी क्योंकि जब मना करना होता है, मैं सिर्फ ऐसे नहीं मना कर सकती कि नहीं मतलब मुझे पसंद नहीं आई. फिर मैं तब भी मैं पूरी पिक्चर अच्छे से सुनती हूँ, ताकि मैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट बता सकूं कि ये रीजंस की वजह से ये मुझे नहीं समझ में आई या ये मेरे लिए नहीं काम करी, सो दैट द फिल्म मेकर जिसने इतना एफर्ट लगाया, राइटर जिसने एफर्ट लगाया इतना लिखने में, उसको लगे कि उसकी स्क्रिप्ट को एक फेयर चांस दिया. और हर एक जिस तरह से फिल्म सब्जेक्टिव होती है, आपको जो फिल्म में पसंद आए जरूरी नहीं है मुझे वो फिल्म में पसंद आए. इस तरीके से जब स्क्रिप्ट भी आती है तो हो सकता है मुझे नहीं आई, किसी और को आई हुई हो और वो उसके लिए अच्छी हो, तो ये चीज मैं पहले ही सामने रख देती हूँ. आई थिंक इस वजह से मेरा कभी भी किसी के साथ ना, थैंकफुली काफी ऐसे मेकर्स हैं जिनको मैंने मल्टीपल टाइम्स मना करना पड़ा है कि नहीं ये नहीं. काफी प्रोड्यूसर्स एक्चुअली ऐसे हैं जिनके तरफ से मेरे पास पिक्चरें काफी आई हैं जो मैंने मना करी हैं, 3-3, 4-4 पिक्चरें, एंड दे आर वेरी वेल रिप्यूटेड नेम्स ऑल्सो. सो मैं जब उनको मना करती हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मना करती हूँ, एंड देन दे अप्रिशिएट द फैक्ट दैट कि मैंने एटलीस्ट ऑनेस्टली सुनी
और मैंने ये पॉइंट्स मुझे लगे मैंने बता दिए, रादर देन जस्ट मतलब लटकाना और वो हम महीने बाद उनको मतलब ना वो किसी और के पास जा पाए एंड वो फिर मतलब वेट करते रहे, वो वाला काम मैं नहीं करती हूँ, इस वजह से लोग ऑफेंड नहीं होते हैं। बट दैट्स अ नाइस पॉलिसी आई थिंक ना, कि लटकाना नहीं और रीजंस। हाँ लटकाना नहीं, ये बहुत मुझे ये मैं जरूर फॉलो करती हूँ, आपको मेरा आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा हाँ या ना। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है कि ज्यादा डिफिकल्ट हुआ हो समझाने को कि ना क्यों, तो वो it has been fine अभी तक। तो ताहिर आपका कोई अलग नजरिया है? नहीं एक्चुअली मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो तापसी ने कहा है, चाहे वो अपने कितने स्क्रिप्ट में से कितना चुनती हैं या किस तरह लोगों को जवाब देती हैं। मैंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ काफी समय बिताया है, इज वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मर्स, और उनकी बहुत खूबसूरत कहावत है कि चर्चित होने में और यादगार होने में जमीन आसमान का फर्क है। चर्चित तो सब हो जाते हैं, मैं यादगार होने आया हूँ, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। और मेरी भी हमेशा यही रही है कि सिर्फ काम करने के लिए काम मत करो, उसमें तुम कितना दिल लगा रहे हो, कितना मन लगा रहे हो, उस हिसाब से काम चुनो। एंड आई थिंक तापसी और मेरे में सिमिलैरिटी एक ये है कि जब बॉम्बे में आप आते हैं और एक आपकी एक जर्नी शुरू होती है, तो आप जानते हैं वो फीलिंग जब आपको कोई वेट करवाए, एंड एज एन आर्टिस्ट अब जब आप उस सिचुएशन में हो, जब आपके यू हैव द पावर कि आप किसी और को वेट कराएं कि ना कराएं, आई वुड नेवर वांट टू पुट समवन इन द सेम सिचुएशन। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई कलाकार मेरे वजह से रात को सो ना पाए, एंड दैट इज ऑलवेज द एंड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आकाश आपसे आखिरी सवाल, अब जब फिल्म रिलीज होने को है तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक, कितने डरे हुए हैं आप? I'm excited हूँ, मैं बहुत नर्वस भी हूँ, होना भी चाहिए। बहुत लोगों को फिल्म बनाने का मौका नहीं मिलता है, हमें फिल्म बनाने का मौका मिला है, इस टाइम पे फिल्म बनाने का मौका मिला है, तो बटरफ्लाइज तो है, पर बटरफ्लाइज हमने जो स्टमक में आने वाली थी हमने फिल्म में ही डाल दी है सारी। तो सारी सारी बटरफ्लाइज, वो मैजिकल क्रीचर अब फिल्म में ही उड़ेगा जो उड़ेगा। चलिए चलिए, इसी दुआ के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि जैसे ओरिजिनल फिल्म थी रन लोला रन, यू आर ऑल रन ऑल द वे टू द बैंक एंड पैसे इकट्ठे करते जाए आपकी फिल्म कामयाबी की सारी सीमाएं पार कर ले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन कोमल लाटा ऑफिशियल। हियर्स विशिंग ऑल ऑफ यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू।